नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्राची सबसे ज़्यादा टेंशन में है, और प्राची की टेंशन की आप लोग जानते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मिहिका ने आखिरकार एक्सीडेंट का जो रूप रचा है ताकि एक्सीडेंट हो जाए प्राची का, और उसके ब्रेक फेल कर दिए हैं, और उसके बाद में अक्षय का जो रिएक्शन जाएगा दोस्तों वो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक तरीका से होगा। क्योंकि दोस्तों अक्षय बर्दाश्त नहीं करेगा प्राची के साथ में ऐसी गिरी हुई और ऐसी घिनौनी हरकत कोई करे। जी हाँ, क्योंकि मिहिका की इस चाल को किस तरीका से आखिरकार रणबीर रोकेगा, क्योंकि रणबीर को पता चल जाएगा कि मिहिका ने अपनी चाल चल दी है प्राची को मारने के लिए। प्राची की गाड़ी के ब्रेक तक के फेल कर दिए हैं, और दोस्तों वाकई में इस समय सभी लोग थोड़े नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक रियलिटी है। आप लोग जानते हैं कि इसके बाद में अक्षय ने अपनी बहन मिहिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मारा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राची को इस तरीके से मारने की, क्योंकि प्राची मेरी जान बसती है। जिसके बाद में मिहिका ने बोल दिया है कि रणबीर में भी मेरी जान बसती है, वो रणबीर से दूर ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करूँ उसमें। क्योंकि दोस्तों इस समय रणबीर और प्राची के लिए दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए ही जानी दुश्मन होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार होना क्या है। क्योंकि दोस्तों वास्तविक इस समय जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि कब क्या कौन सी घटनाएं घटित हो जाए दोस्तों। क्योंकि इस समय रणबीर ही प्राची की जान बचाएगा, और उसके बाद में प्राची को आभास हो जाएगा कि हाँ वास्तविक इस घर में जो रह रही है, इस घर में सभी लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये एक हकीकत है। क्योंकि इस घर के लोग प्यार की भाषा कोई समझने को तैयार भी नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कितने मोड़ लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं कहानी के अंदर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक बेहद बड़ी हकीकत है।